गाड़ी हमारे सामने है एल्टो VXR 2020 का, ये मॉडल है। 21 का नंबर इस गाड़ी में लगा हुआ है और गाड़ी माशाल्लाह से ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है। हाई शू हाई जेट और एक ज़बरदस्त गाड़ी हमारे सामने है। 2014-2019 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। ये सबसे पहले ये गाड़ी एड कर लेते हैं और गाड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है। टोयोटा पासो 2006-2011 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इस्माइल शाह। कहाँ से आए आप? क्वेटा से आए हैं। गाड़ी खरीदने आए हैं यहाँ पे, बेचने हैं? कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? 2012 का मॉडल है। गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, लेकिन बाहर से गाड़ी ये शावर है, इंटीरियर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है। पूरी एक ज़बरदस्त गाड़ी हमारे सामने है। सुजुकी एवरी है। 2012-2018 की रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में। का ये मॉडल है सुजुकी कल्टस VXR लिमिटेड एडिशन में। तो गाड़ी के कंडीशन की बात करें तो आउटसाइड से कंडीशन कह सकते हैं कि शायद एक आधा पीस इस गाड़ी में टचअप। टोयोटा विट्स है। 2007-2012 की रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में ये गाड़ी, और गाड़ी मशीन से अच्छी कंडीशन में है। आप भाई के साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शाहजान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शानी ब्लॉग्स। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। संडे कार मार्केट में टाइम हो रहा है तकरीबन 3:17, 28 जनवरी 2024। तो संडे कार मार्केट भाई कुछ इस तरह से लग चुका है, देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे गाड़ियों की रश। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, इस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा होगा गाड़ियों का। तो हमसे पूछते हैं यार संडे कार मार्केट का एड्रेस। तो संडे कार मार्केट का एड्रेस मैं आप लोगों को बता चलूँ, यूपी मोड सेक्टर 11D न्यू कराची की तरफ संडे कार मार्केट लगता है। और टाइमिंग जो है यहाँ रात 8:30 के आसपास यहाँ पर गाड़ियाँ लगती रहती है। तो ये कुछ भाई आए हैं हमारे पीछे खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ लेने हैं भाई, बेचने हैं क्या सीन है? लेने हैं। कौन सी गाड़ी लेनी है आपको? लांसर लेनी और एक करोला लेनी है। क्या बजट है आपका? 12 लाख। 12 लाख करोला कौन सा मॉडल चाहिए? 4-5 मिल जाएगा। 12 लाख मिल जाएगा। और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्रिया। तो ये भाई हमारे साथ जो मौजूद है, इनको लांसर गाड़ी चाहिए थी, एक करोला गाड़ी चाहिए। तो बजट भी इनका अच्छा माशाल्लाह मिल जाएगी इनको गाड़ी आज संडे कार मार्केट में। बाकी देखते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाड़ियों की क्या प्राइसेस चल रही हैं। अब भाई उनसे शेयर करेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इस्माइल शाह। कहाँ से आए आप? क्वेटा से आए हैं। गाड़ी खरीदने आए हैं यहाँ पे, बेचने हैं? कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? यार इंडस चाहिए। इंडस कौन सा मॉडल? अस्सलाम वालेकुम। सलाम करे दुआ है आपके साथ। बोरजान। बोरजान भाई कहाँ से? क्वेटा से आए हैं? क्वेटा से यार, जो भी पसंद आए बस ले गए। हम लोग तो करोला एक्स नहीं, एक करोला एक्स का एक्स या विट्स वो यहाँ पे नहीं मिले। यहाँ पे जो है वो सर ओंडा है, ओंडा स्यूक है। नहीं मिल जाए, करोला एक्स भी आती है, विट्स भी आती है, ढूंढना पड़ेगा। अंडा शेप में चाहिए या विट्स 2010 वाला 2008 वाला चाहिए? नहीं अंडा शेप, अंडा शेप में चाहिए। अंडा शेप में मिल जाएगा। बजट क्या है आपका? बजट 13-14 लाख के करीब हो। 13-14 में मिल जाएगी इंशाल्लाह, यही प्राइस चल रही है संडे का। अच्छा, बाकी ढूंढना पड़ेगा गाड़ी, देखनी पड़ेगी। वो भी आप ठीक है देख लेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, तो ये हमारे दोस्त थे कुछ संडे कार मार्केट में गाड़ियाँ परचेस करने के लिए आए थे। तो बढ़ते हम लोग अपनी वीडियो की तरफ, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज क्या मार्केट में प्राइस अपडेट चल रही है। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, जाटे में स्टी करते आप लोगों का, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, एक ज़बरदस्त गाड़ी हमारे सामने है, एल्टो VXR 2020 का ये मॉडल है। 21 का नंबर इस गाड़ी में लगा हुआ है और गाड़ी माशाल्लाह से ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है। टोटल गाड़ी जेन्युइन कह सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो डिग्गी का पीछे वाला हिस्सा नीचे का वो टचअप है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कौन सा हिस्सा इस गाड़ी का टचअप है। बाकी बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। आप भाई के साथ पूरी गाड़ी जो है वीडियो में शेयर करते हैं, उसके बाद उनके साथ मिलकर प्राइस की गाड़ी की वो भी आप भाई के साथ शेयर कर देखें। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। टायर्स की बात करें तो 80% के आसपास टायर्स इस गाड़ी के हमें गुड कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मल स्टेपनी वाले सुजुकी के टायर्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। तो ये गाड़ी की साइड लुक से आप लोग चेक कर सकते हैं, जब तक पार्टी जो है फ्रंट से इंजन वगैरह चेक कर रही है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ये इस गाड़ी की जो बैक साइड है, यह मैं आप लोगों को दिखा दूँ सिर्फ, तो ये दिखा रहे हैं। तो ये भी इतना सा पीस मैं शायद ऊपर बना दिया, पूरा बता दिया मैं आप लोगों को, लेकिन इसका जो है नीचे वाला जो जहाँ से ओपन करते हैं वो इसका जो है टचअप में है। बाकी ये इस गाड़ी का चेक कर सकते हैं, इंजन रूम भाई ने खोल दिया है। 660 cc इंजन में है और गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। टोटल गाड़ी आप भाई को ये जेन्युइन मिलेगी। जो पीस इस गाड़ी का टचअप था वो मैंने आप भाइयों को दिखा दिया है, और बोनट की सीट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, लाइट्स वगैरह देख लें इस गाड़ी की, सामने की ग्रिल सेट भी देख लें। दोनों लाइट्स माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मिलेंगी।
बाकी बढ़ते हैं थोड़ा साइड से, पूरी साइड्स वगैरह अभी दिखाए थे हम भाइयों को। तो ये इस गाड़ी की साइड लुक है, 2020-2021 का नंबर लगा हुआ इस गाड़ी में। ओके तो ये इस गाड़ी के चेक कर सकते हैं, डोर्स की सील्स वगैरह देख सकते हैं, पूरी जेन्युइन मौजूद हैं। आगे वाले जो डोर हैं वो हैंडल में हैं। और ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है, सीट्स वगैरह ओरिजिनल है, कोई कवर वगैरह इंस्टॉल नहीं है। गाड़ी माशाल्लाह से ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं जब आप लोग गाड़ी परचेज़ करने आए तो। तसली से चेक कर लें, अपना डेंटर पेंटर साथ ले गए ताकि आप लोग गाड़ी का पता चले कि गाड़ी किस कंडीशन में मौजूद है। सुजुकी एल्टो है ये, 2020-2021 का नंबर लगा हुआ। डिगी का जो ये वाला हिस्सा है देख सकते हैं आप लोग, जहाँ से ओपन करते हैं डिगी, ये सिर्फ टचअप है, इसके अलावा पूरी गाड़ी जेन्युइन है। बैक लाइट्स वगैरह देख सकते हैं इस गाड़ी की, चारों टायर इस गाड़ी की सेम ही कंडीशन में, पार्टियाँ वगैरह आ रही हैं इस गाड़ी की। बाकी मिलते हैं ओनर के साथ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या और कितने में गाड़ी देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की आपने? 2021 का नंबर लगा हुआ है, ठीक। डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट है सर ये गाड़ी? सीपीएलसी टैक्स वगैरह सब क्लियर है। कितना चली हुई सर गाड़ी है? ये 33,000 किलोमीटर चली हुई है। इसकी नंबर प्लेट आ चुकी है? नहीं, साइज में मौजूद है अभी तक, एस्केलेटर वगैरह मौजूद होगा आपके पास? ठीक है सर जी। इसकी एवरेज क्या रहती है पलेटर के हिसाब से? 18 रहती है पलेटर के हिसाब से, 660 cc है। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 0315 जी सर, 2244 जी जी, 320। क्या नाम है आपका सर? फैजान। कहाँ की लोकेशन है फैजान भाई? बफर जोन सरीना मोबाइल मार्केट। गाड़ी के वाले से कॉल है आपके पास तो अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा। शानी ब्लॉग्स हमारे चैनल का नाम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, डाई हार्ड शू हाई जेट और एक ज़बरदस्त गाड़ी हमारे सामने है, 2014-2019 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। गाड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त कंडीशन में, ब्लैक कलर में और हाफ क्रूज में। गाड़ी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में, क्योंकि काफ़ी मैंने 3-4 हफ्ते हो गए हैं मैंने कोई हाईजेट ऐड नहीं करी, तो आज फाइनली हाईजेट मुझे मिल चुकी है और मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी वीडियोस में। जितने भी लोग हाईजेट की रिक्वेस्ट करते हैं भाई, हाईजेट आ चुकी है हमारी वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो ये इस गाड़ी के टायर्स हैं, तकरीबन कह सकते हैं इस गाड़ी के टायर जो 80% गुड हैं, नॉर्मल स्टेपिंग वाले टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। तो लाइट्स से आप लोग देख सकते हैं गाड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में देखने को मिल रही है। दोनों लाइट्स इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है, कहीं से टूटी हुई ब्रेक वगैरह नहीं है। ये इस गाड़ी की ग्रिल साइड है और ये गाड़ी की जो है विंड स्क्रीन है। जितने लोग हाईजेट की रिक्वेस्ट है, बजट हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। ओनर का नंबर जो है पूरी डिटेल के साथ आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। दाई हर्सु हाईजेट इस गाड़ी की साइड और वाइट एंगल में कर दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे जगह का इतना मसला हो रहा है कि गाड़ी में आप भाई को जो ऐसे इतना से कवर करके नहीं दिखा रहा। इस गाड़ी की बैक साइड है जेट कार्गो और बैक स्क्रीन भी चेक कर सकते हैं। बैक वेपर का जो ऑप्शन मिल जाएगा आप भाइयों को, क्योंकि जेपनीज गाड़ी है। बैक कैमरा भी लगा हुआ इस गाड़ी में। चारों टायर इस गाड़ी के बिल्कुल सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो ये इस गाड़ी का इंटीरियर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा सीट्स लगी हुई हैं, बाकी हाईजेट में ये वाली सीट्स आती हैं वो जो लगी हुई वो एक्स्ट्रा हैं। अंदर से पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है। बाकी आउटसाइड की कंडीशन जो है वो भी आप भाई के साथ शेयर कर देंगे। LCD पैनल वगैरह इंस्टॉल है, 660 cc इंजन में। और इस गाड़ी में जो है फ्रंट वाले डोर आप भाई को जो है पावर मिलेंगे, पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है, 660 cc LCD पैनल वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी में। डैशबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं इस गाड़ी का, नो डाउट। इंटीरियर से माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में है गाड़ी। ओरिजिनल सीट्स की कवर वगैरह इंस्टॉल नहीं है फिलहाल। बाकी बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या है, कितने में देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 2014-2019 की रजिस्ट्रेशन में सर। 14 मॉडल है जी सर, इसकी रजिस्टर्ड है। क्या डिमांड रखी है सर इस गाड़ी की आपने? डिमांड रखी है 16 लाख रुपये। 16 लाख रुपये। टचअप में क्या है सर गाड़ी? टचअप में गाड़ी ओरिजिनल है, बस कलम टचिंग हुआ है। अच्छा, मतलब कि कोई मेजर टचअप नहीं है, मेजर पीस वगैरह शावर नहीं है गाड़ी। डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट है सर? डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। सीपीएलसी टैक्स वगैरह? सीपीएलसी और टैक्स वगैरह सब कुछ। नंबर प्लेट आ चुकी है, जेन्युइन लगी हुई है इसमें? जेन्युइन लगी हुई है। ठीक है सर, कितना चली हुई सर? ये लाख से ऊपर चली हुई है। लाख से ओरिजिनल ऊपर चली हुई है मतलब। ये पेट्रोल एवरेज क्या रहती है सर इसकी? ये देती है तकरीबन 13-14 से ऊपर देती है। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0342-2578-856। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आबिद अली। आबिद भाई लोकेशन कहाँ की है? लोकेशन है साइड एरिया मेट्रो स्टॉप। ठीक है आबिद भाई, डिमांड सर रिपीट कीजिए। डिमांड है 16 लाख रुपये। इसमें कुछ कमी पेशी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले ये गाड़ी एड कर लेते हैं। और गाड़ी जबरदस्त कंडीशन में है, टोयोटा पासो 2006-2011 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। गाड़ी की आउटसाइड की कंडीशन की बात करें भाई, आउटसाइड से गाड़ी हमें पूरी शावर देखने को मिलेगी, बाकी इंटीरियर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है। जितने भाई पासो की रिक्वेस्ट करेंगे पासो हम लोग एड कर रहे हैं। अगर आप लोग गाड़ी समझ में आती है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, लेकिन अपना जो डेंटर पेंटर साथ लेके आई जब आप लोग गाड़ी परचेस करने आते हैं। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, पूरी गाड़ी जो है भाई उनसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले इस गाड़ी के टायर्स वगैरह विजिट करते हैं। टायर्स की बात करें तकरीबन 80% के आसपास टायर्स इस गाड़ी में गुड एंड नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी हमें अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रही है। और बम्पर की फिटिंग थोड़ी बहुत आउट है, लेकिन दोबारा आप करवा सकते हैं, क्लिप वगैरह का मसला होता है ये चेंज करवा सकते हैं आप। दोनों लाइट्स इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बाकी विंड स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन हल्की सी साइड पर क्रैक नजर आ रही है भाइयों को, बाकी इस साइड से पूरी विंड स्क्रीन साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। टोयोटा पासो है 2006-2011 की रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में। ये इस गाड़ी की साइड लुक्स और बॉडी वाइज फिलहाल अभी कोई भी काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में खड़ी है। हल्की फुल्की कलम कहीं कहीं से मुझे नज़र आ रही है, जैसे डोर्स का ये क्लिप आपके सामने होगा तो टेढ़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप लोग कलम करवा सकते हैं, लेकिन इसको डेंटर पेंटर से पहले सीधा करवाना पड़ेगा। तो ये इस गाड़ी की बैक साइड है, बैक साइड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बैक साइड की लाइट्स वगैरह देख सकते हैं। और दोनों लाइट्स इस गाड़ी की जो है बैक जो है वो साफ कंडीशन में देखने को मिलेंगी। ये सेकेंड लाइट है इस गाड़ी की, बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर भी इस गाड़ी का विजिट करा देते हैं। तो ये इस गाड़ी के डोर्स हैं और पावर विंडो देखने को मिलेगा, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ी है। और डोर्स जो हैं अंदर से ऊपर की साइड पूरी सही है, लेकिन नीचे की साइड से हल्की फुल्की शावर में है। बाकी सीट्स हैं ओरिजिनल कवर्स में अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, कोई एक्स्ट्रा कवर इंस्टॉल नहीं है। तो ये चेक कर सकते हैं, ये वाला डोर बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद है, लेकिन इसका बैक साइड वाला डोर था वो मैंने आप लोगों को बता दी कि नीचे की साइड से थोड़ा शावर था। और ये पावर विंडो है जी, पावर स्टीयरिंग है, ऑटो ट्रांसमिशन में है, ये 1000 cc इंजन में आती है, अपना जो कंपनी का टैप सिस्टम आता है वही लगा हुआ है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा ड्राइवर साइड की तरफ से, वहाँ से भी आप लोगों की जगह ये थोड़ा सा मेजर करा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये ड्राइवर साइड की जो डोर है इसकी सील्स बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। पावर विंडो है, पावर मिरर है, पावर स्टीयरिंग है ऑटो ट्रांसमिशन में। और जैपनीज़ गाड़ी है 2006-2011 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी है, लेकिन आउटसाइड से शावर है, इंटीरियर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम भी शेयर करा देते हैं। ओके, तो ये इस गाड़ी का इंजन रूम है। अपने इंजन तो चेंज है, वैसे पहले भी 1000 cc लगा हुआ था, अब भी 1000 cc लगा हुआ है इस गाड़ी में इंजन। और सामने की पट्टी साइड भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। भाई बोनेट की सील्स हैं, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं कि प्राइस क्या है इस गाड़ी की और कितने में देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की आप? 1480 डिमांड रखी है। 1480 2006-2011 के रजिस्ट्रेशन में। आउट साइड से गाड़ी शावर्ड है सर, बिल्कुल बिल्कुल। इंटीरियर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है, इंजन इस गाड़ी का चेंज है, बिल्कुल बुक पे चढ़ा हुआ है, बुक पे चढ़ा हुआ है। ठीक है सर, कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में चाहिए, बिल्कुल रेडी टू ड्राइव पे। ठीक है सर, इसकी पेट्रोल एवरेज क्या रहती है अगर कोई घर के लिए बचत? पेट्रोल एवरेज है 14 तक की, 14 तक की है पर लीटर के हिसाब से। ठीक है सर जी, पेपर में कंप्लीट है सर? बिल्कुल सब चीज़ सब, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन मिलेंगे सर इस गाड़ी की। ठीक है सर, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0334-526-1235। क्या नाम है आपका सर? इजाज अहमद खान। इजाज भाई कहाँ की लोकेशन है? कायदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, एक जबरदस्त गाड़ी हमारे सामने है, टोयोटा विट्स है 2007-2012 की रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में ये गाड़ी। और गाड़ी मशीन से अच्छी कंडीशन में है, आप भाई के साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं इस गाड़ी की। ब्लैक कलर में गाड़ी ये मौजूद है और इस वजह से थोड़ा बहुत मट्टी वगैरह नज़र आ रही होगी आप लोगों की। चलिए बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। टायर्स की बात करें तो 80% के आसपास टायर्स इस गाड़ी के जो गुड कंडीशन में मौजूद हैं और लायर में लगे हुए इस गाड़ी में। लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, लाइट्स भी हमें जबरदस्त कंडीशन में देखने को मिल रही है इस गाड़ी की। ये इस गाड़ी की फ्रंट साइड है, ये भी हमें बिल्कुल साफ मिल रही है देखने को। सेकंड लाइट देख सकते हैं इस गाड़ी की, टोयोटा विट्स से 2007-2012 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में ये गाड़ी। और विट्स की काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं अंडा शेप भी ऐड करें, तो कोशिश करेंगे अंडा शेप अगर मिल गई तो वो भी ऐड कर देंगे। तो इस गाड़ी की साइड लुक आप लोग चेक कर सकते हैं, साइड से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, चेक कर सकते हैं। जब भी गाड़ी परचेज करने आए तो डेंटर पेंटर अपने साथ लेके, ताकि आप लोगों को पता चल जाए गाड़ी किस कंडीशन में मौजूद है। तो ये इस गाड़ी की जो है बैक साइड है,
बैक साइड की लाइट थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। और बम्पर की फिटिंग भी मैं बिल्कुल साफ़ मिल रही है देखने को। बैक साइड पे नंबर प्लेट पे आप लोग चेक कर सकते हैं, जनरल नंबर प्लेट लगी हुई कैमरे के ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। इस गाड़ी की विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन पे भी वाइपर का ऑप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ी है तो जैपनीज़ गाड़ी पे अक्सर आप भाई जो है वाइपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर भी शेयर कर देते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग, डोर्स की सील बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं, पावर विंडो का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, सीट्स पे जो प्लास्टिक वगैरह इंस्टॉल है। बाकी बढ़ते हैं फ्रंट डोर की तरफ। ये गाड़ियाँ 1000 cc इंजन में होती हैं, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, पावर मिरर के साथ चेक कर सकते हैं। पावर विंडो है, पावर मिरर है, पावर स्टेयरिंग है, ऑटो ट्रांसमिशन में ये सीट्स इस गाड़ी की चेक कर सकते हैं, प्लास्टिक वगैरह लगी हुई हैं सीट्स में, LCD पैनल इंस्टॉल है, डैशबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं। और बढ़ते हैं थोड़ा सा इंजन रूम की तरफ, आप भाइयों को जो है इंजन रूम भी इस गाड़ी का दिखा देते हैं, उसके बाद जो है उन्होंने साथ मिलकर प्राइस के गाड़ी की वो भी आप भाइयों के साथ जो है शेयर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस गाड़ी की जो है इंजन रूम है 1000 cc इंजन में, और इंजन से माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। इससे पहले टोयोटा पासवे ऐड करी थी, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही इंजन आता है 1000 cc। और ये बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या है और कितने में गाड़ी देना चाहते हैं। 1775 की डिमांड रखी है सर। पेपर में कंप्लीट है सर गाड़ी, ये सेकंड CBLC वगैरह सब क्लियर है सर, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन लगी हुई सर। इंजन इस गाड़ी का चेंज है, अपना इंजन है जेन्युइन। कितना चली हुई सर? 1,16,000 जनरल इंजन पे ये गाड़ी चली हुई है सर। इसकी पेट्रोल एवरेज क्या रहती है पर लीटर के हिसाब से, अगर कोई घर के लिए परचेज़ करना चाहे तो? 14-15 के हिसाब से देती है पर लीटर। ठीक है सर जी, और इसमें कोई काम सस्पेंशन है इंजन वाइज? ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए सर। 0345-0345-91-454। क्या नाम है आपका सर? आफ्ताब नजम। कहाँ की लोकेशन आफ्ताब? लकी वन शॉपिंग सेंटर। ठीक है आफ्ताब, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए हमारे चैनल के तो अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा। शानी ब्लॉग्स हमारे चैनल का नाम है। ठीक है सर जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, एक ज़बरदस्त होंडा सिटी हमारे सामने है, 2015 का मॉडल है। इस गाड़ी का सिर्फ एक पीस टचअप है, इसके अलावा पूरी गाड़ी आप भाइयों को जेन्युइन मिलेगी। पूरी गाड़ी वीडियो में कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो है ओनर के साथ मिलकर प्राइस के गाड़ी की वो भी आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। जितने भी लोग होंडा सिटी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, होंडा सिटी हम लोग एड कर रहे हैं। अगर आप लोग गाड़ी समझ में आ रही है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, प्राइस क्या है डिटेल के साथ आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। तो इस गाड़ी का सिर्फ एक पीस टचअप, वो भी ओनर के साथ मिलकर बता देंगे कौन सा पीस इस गाड़ी का टचअप है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। टायर्स की बात करें तो नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इंस्टॉल है, तकरीबन कह सकते हैं 50 के अराउंड इस गाड़ी के टायर जो गुड कंडीशन में मौजूद है। लेकिन पीछे वाले टायर जो होते हैं, बैक साइड के टायर, वो थोड़ा सा जो है अच्छी कंडीशन में हमें देखने को मिल रहा है। ये इस गाड़ी की फ्रंट लाइट्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल है, और गाड़ी अभी सर्विस करवा के नहीं लाया मेरे ख्याल में, ये घर की गाड़ी, कोई ब्रोकर वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहे। बाकी प्राइस में देख सकते हैं कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, ये फिर ओनर के साथ जब मिलेंगे आप बैंक से शेयर कर देंगे। तो विंड स्क्रीन देख सकते हैं, विंड स्क्रीन इस गाड़ी की बिल्कुल ज़्यादा कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी के बोनट साइड भी चेक कर सकते हैं, ये भी हमें ज़बरदस्त कंडीशन में देखने को मिल रही है। और इतना तो मुझे पता है कि गाड़ी एक जी ब्रोकर वगैरह की नहीं है, घर की गाड़ी है। फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को देख लीजिएगा जब आप लोग गाड़ी परचेस करने आए। तो ये इस गाड़ी की साइड्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। और टायर्स जो हैं इस गाड़ी के पीछे वाले अच्छी कंडीशन में है बनस्बत आगे वाले टायरों से। होंडा सिटी है जी, 2015 का मॉडल है। बैक साइड की लाइट्स वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बैक साइड की बम्पर की फिटिंग भी आप लोग चेक कर सकते हैं, और बैक साइड पे हमें कैमरे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ओरिजिनल नंबर प्लेट इस गाड़ी के अंदर लगी हुई है, 2015 का ये मॉडल है। दोनों लाइट्स इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। ये साइड्स हैं गाड़ी की। बाकी बढ़ते हैं इस गाड़ी के जो है डोर्स की तरफ, डोर्स की सीलिंग वगैरह जो है आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। ओके, तो ये इस गाड़ी के डोर्स की सील्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। बैक साइड के जो डोर हैं ये भी हमें पावर में देखने को मिलेंगे, और सीट्स पे जो है लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा फ्रंट साइड की तरफ। ओके, तो ये फ्रंट साइड के डोर्स भी आप लोग देख लें। तो ये इस गाड़ी का जो है डैशबोर्ड है, यहाँ पे LCD पैनल वगैरह इंस्टॉल है जो एंड्रॉयड पैनल होता है। गाड़ी मशल से बिल्कुल साफ़ सुथरी चमचमाती हुई कंडीशन में अंदर से, नो डाउट गाड़ी मशल से
आउट क्लास कंडीशन खराब खड़ी हुई है। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ। इंजन रूम भी जो है आप भाइयों के साथ शेयर कर देते हैं इस गाड़ी का, खोलिए जरा और इंजन रूम से देखते हैं क्या कंडीशन है गाड़ी। उसके बाद जो ऑनर के साथ मिल के प्राइस क्या गाड़ी की वो भी आप भाइयों के साथ जो है शेयर करा देंगे। ओके तो ये इस गाड़ी के जो है इंजन रूम में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है और सर्विस वगैरह नहीं करवा के आए, घर की गाड़ी है। और प्राइस अभी देखेंगे इस गाड़ी की प्राइस क्या है भाई। जमशेड की मुखिया वगैरह देख सकते हैं, दोनों मुखिया दिखा देता हूँ मैं आप भाइयों को। ये इंजन है, बैटरी वगैरह, और बैटरी जो है ड्राइव वगैरह इंस्टॉल नहीं है, ड्राइव बैटरी होती थोड़ा बेहतर होता। बाकी बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या है और कितने में गाड़ी देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है सर इस गाड़ी की आपने? सत्ताईस पचास 2015 का मॉडल जी सर, अच्छा जी। गाड़ी पूरी तो मैंने देख ली माशाल्लाह से, गाड़ी तो आउट क्लास कंडीशन में, एक पीस इस गाड़ी का टचअप मिलेगा बस, इसके अलावा पूरी गाड़ी जेन्युइन है। डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट है सर गाड़ी, जून 2024 तक पेड है जी सर। और इसके बाद सेकंड ओनर कार है जी सर, यूज कार है। कितना चली हुई सर गाड़ी? ये ज़्यादा नहीं चली हुई है तकरीबन, फिर भी डिजिटल मीटर है जी, चेक नहीं किया। अच्छा, फैमिली यूज नहीं है हमारे अपने पर्सनल। पेट्रोल एवरेज सर इसकी क्या रहती है घर के लेना चाहे तो? इस टाइम ये सिटी में 16 से अब दे रही है, 16 से अब दे रही है। सर्विस वगैरह कर नहीं करवा के आए मेरे ख्याल में, गाड़ी अभी क्लीन नहीं है बाहर से, ऐसे ही हम लेके। हाँ, ये घर की गाड़ी है, मतलब की गाड़ी है, जैसे घर में थी वैसे हम लेके आए। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए जी। नंबर आप देख लें, 0302-0302-499-4855-4855। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, कहाँ की लोकेशन हमजा भाई? लोकेशन हमारी कराची की है, जिसने लेनी है आप आ जाएं। अच्छा, नंबर पे कांटेक्ट करें तो बेहतर, आप गाइड कर लेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे। ठीक है हमजा भाई, ठीक है। इसकी प्राइस में कुछ कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल है ये बिल्कुल? नहीं, प्राइस में हो जाएगी, कुछ कमी पेशी हो जाएगी। सीरियस बायर अगर कांटेक्ट करेगा कुछ कमी पेशी भी हो जाएगी। ठीक है हमजा भाई, शानी ब्लॉग्स के नाम से हमारा चैनल है, अगर आपके पास कोई कॉल वगैरह है तो फिर अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है हमजा भाई, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं भाई एफएक्स क्यों नहीं ऐड करें, एफएक्स के साथ कोई दुश्मनी है क्या भाई? एफएक्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे अच्छी गाड़ी मिल नहीं रही थी तो ये गाड़ी मिली है फाइनली। 84 का ये मॉडल है गाड़ी। आउटसाइड की कंडीशन की बात करें तो आउटसाइड से गाड़ी पूरी आप लोगों को पेंट मिलेगी, शावर मिलेगी, बाकी अंदर से पूरी गाड़ी आप भाई को जेन्युइन मिलेगी। और इस गाड़ी को पूरा कवर करते हैं, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस की गाड़ी की वो भी आप भाई के साथ शेयर कर देंगे। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। टायर्स की बात तकरीबन कह सकते हैं 50% के आसपास टायर्स इस गाड़ी के जो है गुड कंडीशन में मौजूद हैं, नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। ये इस गाड़ी के फ्रंट साइड है, फ्रंट के क्लेट्स और ग्रिल वगैरह भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। तो ये इस गाड़ी की जो विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन भी देख सकते हैं इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, कोई टूटी क्रैक वगैरह नहीं है। तो ये इस गाड़ी का बोनट साइड है, ये भी देख लें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, कहीं से स्क्रैचेस नहीं है। बॉडी वाइज आपको कोई भी काम नहीं करवाना पड़ेगा, जितना काम था मेरे ख्याल में ओनर ने करवा ही लिया इस गाड़ी का, बॉडी से कहीं से रफ जंग वगैरह नहीं मिलेगी मेरे ख्याल में, न्यूली इस गाड़ी का जो है बॉडी वाइज जो है काम करवाया हुआ है। बढ़ते हैं इस गाड़ी की बैक साइड की तरफ। ये इस गाड़ी की बैक साइड है, बैक साइड की लाइट्स वगैरह दोनों लाइट्स इस गाड़ी की कुल जो है सेमी कंडीशन में देखने को मिलेंगी। बैक स्क्रीन भी देख सकते हैं इस गाड़ी की, बैक स्क्रीन बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई एफएक्स की, जो एफएक्स हम लोग ऐड कर रहे हैं जगह पे हो। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। तो ये इस गाड़ी का इंटीरियर है और इंटीरियर से जो है पूरी गाड़ी जेन्युइन मिलेगी, लेकिन जो है आउटसाइड से शावर है सर गाड़ी। 12 इंच के दो स्पीकर लगे हुए, नॉर्मल टाइप सिस्टम लगा हुआ है इस गाड़ी में। बाकी बढ़ते हैं ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को विजिट कराया था ये गाड़ी। उसके बाद जो है ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या है गाड़ी की, इस गाड़ी का डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं, डोर्स वगैरह देख सकते हैं, सील देख सकते हैं डोर्स की। अभी भी इस गाड़ी की पार्टी वगैरह आ रही हैं, जैसे फ्री होती है मैं इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ इस गाड़ी का। अच्छा, ये पार्टी वगैरह इस गाड़ी को चेक कर लेते लगे आता हूँ मैं, इंजन रूम दिखा देता हूँ इस गाड़ी का। ये इस गाड़ी का इंजन रूम है, इंजन रूम से पूरी गाड़ी जेन्युइन मिलेगी ये, और ड्राई बैटरी वगैरह इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर, अभी स्टार्ट खड़ी हुई है गाड़ी, और इंजन रूम से नो डाउट पूरी जेन्युइन मिलेगी आप अपने इंजन में ये गाड़ी। तो अभी पार्टी वगैरह लगी हुई है इस गाड़ी पे, तो जैसे फ्री होती है मैं आप भाई के साथ जो है मज़ीद डिटेल शेयर करता हूँ। बस खोल देख ली मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर, देखिए सर इस गाड़ी की आपने डिमांड 180 की डिमांड रखी है। पेपर में कम्प्लीट है सर गाड़ी, कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज कोई काम
अपनी गाड़ी रोड चला और बंदा अपने हिसाब से काम करवाता रहता है। जाहिर सी बात अपने हाथ में गाड़ी आती है तो लिस्टिंग के लिए तो कोई ना कोई तो खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है सर? जेन्युइन है, हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है सर, गाड़ी CPL सी टैक्स वगैरह। ठीक है सर जी, 2023 का है, दिसंबर 2023 के दिसंबर तक का रसीद। हाँ, वो देख सकते हैं आप लोग, टैक्स जो है दिसंबर 23 तक पेड है। बाकी इसके अलावा फिर बात कर लीजिएगा ओनर से जब आप लोग गाड़ी परचेज करने आए तो। सर डिमांड क्या है इस गाड़ी की? 180 डिमांड। इसमें कुछ गुंजाइश या फाइनल है? फाइनल जो है 160 में, 20,000 की इसमें लचक है। ठीक है सर, नंबर अपना शेयर कर दीजिए। 0347 3987394। क्या नाम आपका सर? सैयद अब्दुल्ला हसन। सैयद अब्दुल्ला हसन, कहाँ की लोकेशन है सर? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से अपग्रेड कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके, तो ज़बरदस्त गाड़ी हमारे सामने है, 2017 का ये मॉडल है, सुजुकी कल्टस VXR लिमिटेड एडिशन में। तो गाड़ी के कंडीशन की बात करें तो आउटसाइड से कंडीशन कह सकते हैं कि शायद एक आधा पीस इस गाड़ी में टचअप हो, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर लीजिएगा जब आप लोग गाड़ी परचेस करने आते हैं तो। गाड़ी मशाल से बिल्कुल साफ़ सुथरी चमचमाती हुई कंडीशन में मौजूद है। काफ़ी लोग इस गाड़ी पे आए हैं परचेस करने के लिए, जिसको समझ में आती है तो संडेगार मार्केट से गाड़ी परचेस कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे आ रहे हैं। सुजुकी के अलार्म लगे हुए हैं इस गाड़ी में, तकरीबन कह सकते हैं टायर्स की कंडीशन भी 80% के आसपास गुड है। ये इस गाड़ी के फ्रंट लाइट्स हैं, फ्रंट लाइट्स भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ग्रिल साइड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी नीट क्लीन कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी की विंडो स्क्रीन है, विंडो स्क्रीन भी देख लें इस गाड़ी की, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन है। जितने भी लोग कल्टस की रिक्वेस्ट करते भी कल्टस हम लोग ऐड कर रहे हैं, नो डाउट माशाल्लाह से गाड़ी आउट क्लास कंडीशन में मौजूद है। और अभी भी पार्टियां वगैरह आ रही हैं इस गाड़ी में। ये इस गाड़ी की साइड से मैं थोड़ा सा वाइट एंगल में दिखा देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं इस गाड़ी की साइड लुक। ये इस गाड़ी की बैक लाइट्स हैं और दोनों बैक लाइट्स आप लोग चेक कर लें। लिमिटेड एडिशन सुजुकी कल्टस 2017 का ये मॉडल है। और बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर भी शेयर करा देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके, तो इसकी सील्स वगैरह देख लें आप लोग, डोर्स की सील देख लें। ये इस गाड़ी का इंटीरियर है, शॉपर वगैरह लगी हुए हैं, 12 इंच के दो स्पीकर भी लगे हुए हैं इस गाड़ी में। नो डाउट इंटीरियर से आउट क्लास कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है, 2017 की सुजुकी कल्टस है VXR। सीट्स पर प्लास्टिक वगैरह लगी हुई हैं और अभी पार्टियां आ रही हैं, तकरीबन की तीसरी पार्टी है फिलहाल इस गाड़ी पे। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा फ्रंट डोर पे, यहाँ पे सीट्स वगैरह देख लें इस गाड़ी की, कुछ जेन्युइन में मौजूद है। तकरीबन ये 70,000 के आसपास गाड़ी ये शो हो रही है चली हुई। और बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, तो ये इस गाड़ी का रूम है, तो कह सकते हैं अभी स्टार्ट है ये गाड़ी EFI इंजन में। और सेकंड साइड की मुक्की वो भी चेक करा देता हूँ, चेक कर सकते हैं सेकंड साइड जंप की मुक्की। और ये टिकली साइड है इस गाड़ी की EFI इंजन में, 4 सिलेंडर। चलिए तो बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या और कितने में देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की आपने? 16,20,000 2017 का मॉडल है सर, 2017 लिमिटेड एडिशन है जी सर। गाड़ी हर तरह से बिल्कुल ओके, एक दो पीस टचअप है साइडों में, ड्राइवर रूम है सर की गाड़ी है, पर्सनल यूज में सिर्फ होती है। ठीक है, माइलेज इसकी 70,000 चली गई, 70,000 किलोमीटर चली हुई। सर इसकी पेट्रोल एवरेज क्या रहती है पर लीटर की? 15-16 रहती है, 16-20। तो 16-20 इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, इसमें कुछ कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल है? हो जाएगी, सीरियस बायर अगर कॉन्टेक्ट करता तो कमी पेशी हो जाएगी, लिख भी देंगे ओरिजिनल जो लेने वाला है ना वो, क्योंकि फैमिली सीरियस बायर का अगर कोई लेने वाला हो तो भाई कॉन्टेक्ट करे, फैमिली यूज गाड़ी है। मैं ड्राइवर हूँ, हाँ, तो काम कर रहा हूँ, तो ये ब्रोकर वगैरह की गाड़ी नहीं है और गाड़ी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है, 1 एंड यूज गाड़ी है। तो किसी भाई को चाहिए अगर कोई सीरियस हो तो फिर भाई कॉन्टेक्ट करे इस तरह।
बाकी इसमें कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज कोई कुछ भी काम नहीं है, एसी वगैरह वर्किंग है, बिल्कुल सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, बस लेनी और चलानी है। ठीक है सर, पार्टी की गाड़ियाँ होती है ना बहुत अच्छी होती है। ठीक है सर, नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0300 जी सर 299 जी सर 7490। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद फारूक। कहाँ की लोकेशन फारूक पे? नॉर्थ नाजामबाद में रिहाइश है मेरी ना, और सर भी वहीं रहते हैं जहाँ पे मेरे घर के करीब है, जहाँ मैं ड्राइविंग करता हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आया तो फिर अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा, बाकी पूरी डिटेल वगैरह ऐड कर दी है। शुक्रिया जी। एक ज़बरदस्त गाड़ी हमारे सामने है, सुजुकी एवरी है, 2012-2018 की रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में, और जितने भाई रिक्वेस्ट करते हुए एवरी ऐड करें तो एवरी हम लोग ऐड कर रहे हैं। ऑनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे तो इस गाड़ी की जो है पूरी कंडीशन भी आप भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो इस गाड़ी के जो आउटसाइड की कंडीशन की बात करें तो शायद कोई एक दो पीस टचअप हो, बाकी इसके अलावा पूरी गाड़ी जेन्युइन मिलेगी। और जो कि एवरी है, जैपनीज़ गाड़ी, 600 cc इंजन वाली। टायर्स की बात करें तो तकरीबन हम इस गाड़ी के टायर जो है 70% तक गुड देखने को मिल रहे हैं, अलॉय रिम में इस गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट लाइट है, फ्रंट लाइट भी हमें साफ कंडीशन में देखने को मिल रही है। ये इस गाड़ी की ग्रिल साइड है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पे हमें सपोर्ट गार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। दोनों लाइट्स इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ हैं, और ये इस गाड़ी की विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन बिल्कुल साफ़ है, कहीं से टूटी हुई क्रैक वगैरह नहीं है। जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई एवरी वगैरह ऐड करें तो एवरी ऐड कर रहे हैं। डायर सू हाईजेट की रिक्वेस्ट आई, डायर सू हाईजेट भी हम लोग ऐड कर दिए। तो जैसे जैसे हम लोगों को गाड़ियाँ यहाँ पर मिलती जाती हैं वैसे आप भाइयों के लिए ऐड करते रहते हैं। मैं थोड़ा सा वाइट एंगल में कर रहा था कवर, ये इस गाड़ी की जो है कंडीशन है, रियल कैमरे में कवर कर रहा हूँ। तो नो डाउट गाड़ी में कहीं से भी आप लोगों को जो स्क्रेचेस नहीं मिलेंगे, और बैक स्क्रीन भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बैक वाइपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये जैपनीज़ गाड़ी है, बैक कैमरा भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। ऊपर जो है जंगला वगैरह भी लगा हुआ है सामान वगैरह कैरी करने के लिए। ये इस गाड़ी की ड्राइवर साइड है, और नो डाउट गाड़ी माशा से ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं फ्रंट डोर की तरफ, तो ये इस गाड़ी के डोर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं, सील्स वगैरह दे सकते हैं। इसके डोर्स जो हैं फ्रंट वाले आप लोगों को ये नॉन पावर मिलेंगे, हैंडल वाले मिलेंगे। बाकी 660 cc में, और LCD पैनल वगैरह देख सकते हैं, एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है इस गाड़ी में, डैशबोर्ड से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ऑटो ट्रांसमिशन 660 cc में। बाकी यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस गाड़ी के जो है सीट्स, लेदर का वगैरह लगे हुए सीट्स पे। कि बढ़ते हैं उन्होंने की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस कर कितने में देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की आपने? 16.5 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड रखी है, 2012-18 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। CPLC टैक्स वगैरह सब क्लियर है सर? कोई काम सस्पेंशन या इंजन वाइज इस गाड़ी में, डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है सर गाड़ी? ये सर गाड़ी पूरी जेन्युइन है, अधिक कहीं से टचअप है कोई एक बीच? अच्छा जी, कितना चली हुई सर गाड़ी ये? 96,000 या 97,000 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली। सर इस गाड़ी की पेट्रोल एवरेज क्या रहती है अगर गाड़ी भर के लिए परचेस करना चाहे तो? 15-16 की एवरेज है पर लीटर के हिसाब से। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए बस। 0304-08-99-753। क्या नाम है आपके सर? मिर्ज़ा हसन। कहाँ की लोकेशन हसन भाई? रहीम यार खान से हैं आप? अच्छा जी, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, आप हमारी वीडियोस देखते हैं ख्याल में। अगर आप भाई जितने भी रहीम यार खान से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, तो अगर ये गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल सेल नहीं होती तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी रहीम यार खान में मिल सकती है, यहाँ कराची में ही होगी? अच्छा, अगर वहाँ से कॉन्टेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी गाड़ी ये मिल जाए। ये तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, अगर आप लोगों को गाड़ी समझ में आ रही तो कराची आना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप रहीम यार खान में ये गाड़ी मिल सकती है, भाई भी वहीं से हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से अपग्रेड कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके दोस्तों, आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आप लोग पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो है गाड़ियों की सेल परचेज होती रहती है। अगर आप लोग भी किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं तो आप लोग उस गाड़ी का नाम जो है कमेंट्स में लिख दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में वो गाड़ी हम लोग अपनी वीडियो में ऐड कर देंगे। तो कोशिश करते रहते हैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ कवर करें और मुनासिब प्राइस वाली गाड़ियाँ कवर करें। अगर आप लोग किसी गाड़ी की प्राइस अपडेट जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। गाड़ियों के बारे में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को जो है बेहतर गाइड करूँ। अगर आप लोग न्यूली गाड़ी परचेस करना चाह रहे हैं, पहली बार तो आप लोग गाड़ी का पता नहीं है, तो इंशाल्लाह पूरी तरह मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोग बताते चलूँ कि मैं संडे कार मार्केट के हवाले से
जो है रिव्यू वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ हर संडे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप लोग से इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।